अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल फोकस एबी पे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी एग्जाम आ रहा है, बोर्ड एग्जाम, जो है कि कुछ बच्चे एग्जाम से पहले बहुत ही खुश होते हैं और ये कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा नंबर लिख करके आएंगे, बहुत अच्छा मार्क्स लिख करके आएंगे, और एग्जाम के बाद भी बहुत खुश होते हैं जब तक कि उनका नंबर ना आ जाए, मार्क्स ना आ जाए। वो कहते हैं कि मेरा नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता, मैंने तो कॉपी भर भर के लिखा है, ऐसा लिखा है कि मेरा मार्क्स जो है कि मैथमेटिक्स में 90 प्लस आएगा, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स में या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैंने तो कॉपी भर भर के लिखा था, इस प्रकार से लिखा था कि 99 नंबर लाने से कोई काट ही नहीं सकता, कोई कहता है कि 100 मेरा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार उनका वैसा मार्क्स आ नहीं पाता है, ठीक है ना, और उसके मुकाबले जो उनसे कमजोर बच्चे रहते हैं उनसे ज्यादा उनका आ जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है। यहाँ पर मेन बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो एकदम नहीं पढ़ते, साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई बार अच्छा मार्क्स ले आते हैं। तो यहाँ पर वही बात करेंगे, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताएंगे, आयाम बताएंगे, जिसकी मदद से आपको जानकारी मिलेंगी कि आप किस प्रकार से 100 में 100 ले आएंगे या फिर 500 में 490 या 495 तक आप लिख आएंगे, ये कैसे आप करेंगे, तो उसका यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है क्या है, बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाए। 450 लाएंगे हम लोग, 495 लाएंगे, जो पढ़े हैं वो तो खैर ला ही लेंगे, ठीक है ना, लेकिन उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि उनके लिए भी हम यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिनसे वो परिचित नहीं है, और परिचित हो जाएंगे तो उनको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ओवर स्मार्टनेस दिखाने की बात नहीं, यहाँ पर आपको स्मार्टनेस बनने की बात है, अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपका मार्क्स 400 नंबर से ज्यादा ही आ जाएगा। देखिए हालांकि ये तो आप देखेंगे और अंतिम तक आप जुड़े रहेंगे क्योंकि अंतिम में लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूं, कवर करने जा रहा हूं, वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप कह सकते हैं कि आप एग्जाम में उतना अच्छा नंबर ला ही नहीं सकते, ठीक है ना, उसके लिए भी आपको बने रहना पड़ेगा। अभी देखिए क्या है कि पहला पॉइंट क्या है, बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाए। देखिए ये तो मैं जानता हूं कि बिना पढ़े तो कोई ला ही नहीं सकता नंबर, लेकिन मैं आपको इस टॉपिक के अंतर्गत इसी चीज को यहां पर डील करने की कोशिश करूंगा कि आप बिना पढ़े भी 400 नंबर ला सकते हैं, आखिर कैसे। फिर दूसरा टॉपिक मैं क्लियर करूंगा, अगर आपको कुछ नहीं आता है, मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है जो बच्चे पढ़े नहीं होंगे तो उसको तो कुछ नहीं आएगा ना, कुछ नहीं आएगा, तो वे बच्चे कैसे मतलब जो है कि 400 नंबर गेन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, आप कॉपी में क्या लिखेंगे। देखिए जब आपको कुछ नहीं आता है, जब आपने नहीं पढ़ाई किया साल भर, तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे, ये भी तो एक सवाल पैदा हो रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अच्छा, आपको परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना चाहिए। देखिए बहुत कोई बच्चे पढ़े हैं, साल भर पढ़े हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं कि कॉपी को कैसे लिखा जाए, कौन सा पेन का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक पेन का, ब्लू पेन का, पैराग्राफ कैसे छोड़ेंगे, उंगली का स्पेस होना चाहिए क्या नहीं होना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके बीच में उनको असमंजस होता है, कई बार असमंजस होता है। और यहां तक भी देखा गया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे जो है कि वो एग्जाम में जो एडमिट कार्ड मिलता है उस एडमिट कार्ड में पढ़ते ही नहीं है कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, बहुत कुछ मतलब वो मिस कर देते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो उन सभी चीजों को यहां पर आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए आपको अंत तक बने रहना है। अच्छा, 95% मार्क्स आपको पक्का आ सकता है यदि आप पूरे पॉइंट्स को पूरा बारीकी से फॉलो करें, हर एक चीज को समझे जाने, तभी संभव हो सकता है। देखिए एक बात तो आप जानिए और कहावत भी है, सब्र का फल मीठा होता है, ये बात तो सही है, सब्र से मतलब कि सब्र रखिएगा तभी जो है कि आम भी पकता है, कोई फल भी पकता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक बच्चा को पढ़ते पढ़ते समय लग तो जाता है, लेकिन एक साल के बाद ही उसका रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं कि पल भर में रिजल्ट हो जाए, और रिजल्ट का कैसे होता है, जब तक वो कॉपी में लिखेगा नहीं तब तक रिजल्ट नहीं होता है, तो इसीलिए सब्र का फल मीठा होता है। आप बने रहिए, आपको हर एक चीज टॉपिक बाय टॉपिक, रूल बाय रूल्स हम आपको समझाते जाएंगे। रूल नंबर वन, सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आप अगर जाएंगे तो आपको मतलब काला और नीला पेन एकदम नहीं भूलना है ना, काला और नीला पेन आपको लेकर के ही जाना है, क्यों, क्योंकि देखिए इस प्रकार का जो है कि आपको ओएमआर सीट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे, और ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होता है ना, नाम भरना होता है, फिर आप किस का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत कुछ जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन, उसको भरना होता है।
चलिए तो इसको कैसे भरना है इसको बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको बारे में आपको बता देता हूँ कि इसको भरना कैसे है। मान के चलिए आपको ए बी सी डी इन चार ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी में से आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, तो इस ए बी सी डी में से आप किसको चॉइस करेंगे इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप बी को चॉइस कर रहे हैं, सपोज कीजिए, तो आप बी को कैसे भरेंगे, ब्लैक पेन से भरिएगा। क्या किससे पेन, कौन सा पेन से, ब्लैक पेन से, और पूरा पूरा जो है कि बी को चारों तरफ से पहले घेर लीजिएगा, पूरा चारों तरफ से घेर लीजिएगा, ठीक है ना, बाहर निकल ना पाए, ठीक है, घेर के इस प्रकार से गोला बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको पूरा अच्छा से धीरे 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 अच्छा से भर दीजिए, बहुत अच्छा से प्रेम से भर दीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं मिस्टेक होना चाहिए, ठीक ना, एकदम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भरते हैं, मैं दिखाता हूं, देखिए ऐसे भरते हैं, ऐसे भरते हैं, ठीक है, ये एकदम गलत तरीका, एकदम गलत तरीका, ठीक है, एकदम गलत तरीका, इस तरह बाहर हो गया ना, तो ये गलत तरीका, इसको आपको करना नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप बचिए, एकदम इस प्रकार से सही तरीके से आप भरिए, तभी आपका जो है कि चेक हो पाएगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगला टॉपिक क्या है, रूल नंबर टू। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव के बाद आपका रूल नंबर टू में आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव जो पेपर आएगा उसको आप कैसे लिखेंगे। सब्जेक्टिव पेपर को लिखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पेज में आपको जो कुछ भी लिखना है आप एक बार सोच लीजिए बढ़िया से, इसके बाद ही कलम चलाइए, क्योंकि वहां पर अगर गलत हो जाएगा तो आपको काटना पड़ेगा, तो इसलिए काटने से बचिए, जितना हो सके काटने से बचिए। काटने से अगर नहीं बचेगा तो फिर आपका नंबर एग्जामिनर काटेगा, इसलिए फर्स्ट पेज में आपको कोई काट छाट नहीं करना है, एकदम साफ सुथरा राइटिंग से लिखना है। दूसरा पॉइंट में भी मैंने लिख रखा है, आपको राइटिंग एकदम जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बना करके लिखना है। चलिए रूल नंबर थ्री पर बात करेंगे। रूल नंबर थ्री पे यहां पर बात करेंगे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी समय आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सही से ही पढ़ लेना है। ये मेरा रूल नंबर थ्री है, मतलब क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से बारीकी से एक एक लाइन को आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, कॉपी लिखेंगे, ठीक है ना। और कॉपी लिखते समय आपको विशेष ध्यान देना है, बहुत ऐसे बच्चे करते हैं कि जिनको कुछ नहीं आता है वो गाना भर देते हैं, गाली भर देते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो यहां तक है कि पैसा डाल देते हैं, है ना, मैंने कई बार कॉपी चेक किया है तो उसमें पैसा निकला है, तो ये सब चीजों से बचिए, ठीक है। इससे जो है कि हम लोग आप लोग को एक अलग नजरिए से देखने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कॉपी लिखते समय आप उसमें कोई भी प्रकार का गलत शब्द ना लिखें, गलत शब्द कुछ भी हो सकता है, गाली ग्लौज हो सकता है, मतलब गाना भी नहीं लिखना आपको, है ना, गाना भी नहीं लिखना, गाली ग्लौज, कसम नहीं करना है कि आपको इसका कसम दे दिए, उसका कसम दे दिए, ठीक है ना। तो आपको कॉपी नहीं, अब मेरा कॉपी में नंबर कम आ जाएगा तो आपको इसका कसम है, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है, ये सब से बचिए, है ना। अगर नहीं बचिएगा बड़ा दिक्कत होगा, अगर लिख दीजिएगा समझ लीजिए गलत चीज लिखिएगा तो आपके साथ भी गलत होगा, ठीक। तो चलिए आइए रूल नंबर फोर पर बात करेंगे, और यही जो है कि आज का इस पूरे जानकारी का मेरुदंड है। मेरुदंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो कि आपका नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है कि क्या पॉइंट मैं लिख के रखा हूं, इस चीज को समझिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत विशेष पॉइंट है जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। अब जानिए आपको कॉपी कैसे लिखना है, है ना, कॉपी कैसे लिखिएगा। तो देखिए कॉपी आपके पास आ गई, तो क्वेश्चन को आपको ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि उससे क्या होता है ना, देखिए बहुत कोई क्वेश्चन लिखता भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन को आप लिख देते हैं तो उससे एक अच्छा फील आता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अलग होता है, आंसर पेपर अलग होता है, ठीक है ना। तो उस देखिए कई कई बार जो कि लिफलेटेड सिस्टम भी होता था, कि क्वेश्चन लिखा रहता था, आंसर के लिए स्पेस रहता था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया, क्वेश्चन अलग से मिलता है, आंसर अलग से मिलता है, इसीलिए आप आंसर पेपर में भी क्वेश्चन लिख दीजिए फिर आंसर लिखिएगा। तो क्वेश्चन लिखने के लिए आपको ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है, और उसमें आपको सुंदर लिखावट लाना है, बहुत अच्छा, जितना आप अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिखिए, ठीक है ना। कोशिश कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी ज्यादा आप समय बचा नहीं है, 20 दिन आप कह सकते हैं, 15 से 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो चाहे आप कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, कोई भी किसी भी एग्जाम से बिलोंग करते हो, चाहे आप 10th दे रहे हो, 12th दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप ग्रेजुएशन ही क्यों ना दे रहे हो, तो आपको हर एक चीज में पकड़ बनानी है ये सब चीजों में, तभी आपका अच्छा नंबर आ सकता है। सुंदर लिखावट होना चाहिए, साफ साफ लिखना, एकदम साफ साफ, नीट एंड क्लीन। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर दिक्कत हो रहा है, पसीना हाथ में छूटता है, ठंडा के समय पसीना छूटेगा नहीं, लेकिन कई बार बहुत ऐसे बच्चों को भी बीमारी भी होती है कि पसीना हाथ से निकल जाता है लिखते लिखते। मेरा एक खुद एक दोस्त था, उसका भी ऐसा होता था, तो वो क्या करता था, रुमाल ले लेता था, रुमाल नीचे रख करके फिर लिखता था, ठीक है ना, उसके नीचे भी, ताकि वो कॉपी गंदा ना हो, समझ पा रहे। इस प्रकार के आप चीजों को लगा सकते हैं, इस्तेमाल में ले सकते हैं। साफ साफ लिखना है, ठीक है ना, सुंदर लिखावट लिखना है। फिर चौथा पॉइंट क्या, उत्तर पुस्तिका एकदम खाली मत छोड़िए। बहुत ऐसा बच्चा होता है कि खाली ही छोड़ देता है, नहीं खाली नहीं छोड़ना, तो आप कह रहे सर कि हमको कुछ नहीं आता है, तो गाना भी लिखने मना कर रहे, गाली गलौज भी लिखने मना कर रहे, तो उसको लिखिए मत, ठीक है। तो उत्तर पुस्तिका खाली नहीं छोड़ना, जो भी क्वेश्चन होगा ना
उसी से रिलेटेड आप 4, 5, 10, 15 टॉपिक लिख दीजिए। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में, अगर हिस्ट्री से, तो मोहनजोदड़ो के सभ्यता से सभ्यता क्या होता है उसी के बारे में 4-5 टॉपिक लिख दीजिए, मोहनजोदड़ो के बारे में 4-5 टॉपिक लिख दीजिए, कुछ भी उसी से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दीजिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे ना? तो इस प्रकार से आपका एग्जाम अगर तैयारी कीजिएगा तो आपको 400 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एक और महत्वपूर्ण बात जो कि यहां पर मैं लिखकर खाऊं, एग्जाम की तैयारी कहां से और कैसे करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा, अभी जिस वीडियो में आप चैनल पर देख रहे हैं फोकस एवी है, ठीक है ना, और झारखंड मैथ्स, दो चैनल है ना यूट्यूब पे, फोकस एवी और दूसरा क्या है, झारखंड मैथ्स जोन। तो इन दो चैनल को आपको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन्हीं चैनल्स में ये सब आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से आप मतलब टोटल कैसे क्या पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, ठीक है ना, क्या क्वेश्चंस आएंगे, है ना, चाहे हिंदी रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री, कुछ भी रहे, सारा का सारा इन दो चैनल्स में आपको मिल जाएंगे। तो अभी आप तुरंत अभी जाइए और जाकर के वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही निकट आ गया है, और सर ने जिस तरीके से आप लोगों को ये ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों को बताए हैं, अगर आप लोग सीरियसली लेकर अगर आप इस चीज को अगर फॉलो कर लिए तो आपको मैं दबा के साथ कह सकता हूं 95% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको जिस तरीके से सर ने आपको जो भी ये पॉइंट्स बताए हैं अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आपको जैसे सर ने बताया, अगर एग्जाम का तैयारी अगर आपको अच्छे से करना है, किसी भी एग्जाम का अगर आपको तैयारी करना है, तो हम लोग का दो चैनल है। क्या क्या चैनल है? एक चैनल का नाम है हम लोग का झारखंड मैथ जोन। क्या नाम है? झारखंड मैथ जोन। आप लोग सुन सकते हैं मेरे आवाज को, ठीक है। और दूसरा चैनल है फोकस एवी, ठीक है, जहां पर आप लोग को जूनियर से लेकर हाईएस्ट क्लास तक का आप लोग का एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से कराया जाता है। तो अगर आप भी चैनल पे अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से देर मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो 2024 में एग्जाम देने दे रहे हैं और जो आगे की हायर स्टडी करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।